एमपी के जबलपुर में ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब क्रीम फंगस का मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक प्रदेश का ये पहला ऐसा मामला है जहां ब्लैक फंगस के साथ क्रीम फंगस का संक्रमण पाया गया। पीड़ित मरीज का इलाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग में चल रहा है। जिले में फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या का शतक लग चुका है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में 106 मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें से 39 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। इन्हीं मरीजों में से एक मरीज में क्रीम फंगस की पुष्टि हुई है। फंगस का वास्तव में पहचान जो की जाती है वो पहचान की जाती है कि जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज हैं उसमें इनका कल्चर होता है। जब कल्चर के बाद इनकी कॉलोनीज ग्रो होती हैं तो कॉलोनीज के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अभी जो रिसेंटली पता लगा है कि मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है। वहाँ के ENT विभाग के प्रोफेसर्स ने